तो जानना चाहूँगा आपसे कि सर्कुलम यही आया है कि जो टेंथ और ट्वेल्थ का जो बोर्ड था उसे मर्ज करके अब एक ही बोर्ड बनाया गया है इलेवेंथ को और अगर उन्हें ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करना है तो फोर इयर्स का हो गया है थ्री ईयर्स का नहीं रहेगा जैसे कि एफ वाई एस वाई टी वाई होता था तो उस तरीके से चेंज करके अब फोर ईयर्स का ग्रेजुएशन कर दिए तो मैं ये जानना चाहूँगा असल असल मलानी जी आपसे कि ये सर्कुलम आने के बाद आपको लगता है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे कुछ असर पड़ेगा या उनके ऊपर कुछ दबाव रहेगा ऐसा कुछ देख लो ऐसे तो मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की थी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी लेकिन हमेशा जब नई सरकार आती है मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब भाजपा की और एनडीए की सरकार आई तब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे काम शुरू किया था इन्होंने और इन्हें भी पाँच छः साल लग गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके बनाकर कई सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट से कंसेंट लेकर ये जो चार चार सौ पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया इनको भी पाँच छः साल लग गए अब ये पूरे की पूरी भारत में पूरे के पूरे देश में इसके अमल में लाना इसमें कितना टाइम लगेगा ये तुम भी समझ सकते हो कि नाइनटीन की पॉलिसी जो थी 30-35 साल पुरानी जो पॉलिसी थी तकरीबन 34-35 साल हो चुके हैं उसको वो पॉलिसी यहाँ पर अभी अमल में लाने के लिए अब तक के पूरे के पूरे इंडिया में नहीं आई नाइनटीन की पॉलिसी का भी यही हाल था नाइनटीन का भी यही हाल था अब जो दो में आ रही है मैं इतना नेगेटिव या डिमोरलाइज नहीं हो रहा हो या ना मैं किसी को बोल रहा हूँ लेकिन अच्छी प्लानिंग तो हो जाती है इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो दसवीं और बारहवीं के बोर्ड है ये राज्य शासन के अंदर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आते हैं भारत सरकार ने एक नोटिस निकाल दी कि दसवीं और बारहवीं के पेपर बंद करो और ग्यारहवीं के पेपर शुरू करो तो अभी ये साल में जो दसवीं में बच्चे बैठे हैं ये इस असमंजस में रहेंगे कि हमारे एग्जाम स्कूल में होंगे या बोर्ड के होंगे और जो बच्चे ग्यारहवीं में हैं अभी जो दसवीं पास करके ग्यारहवीं में गए हैं वो परेशान हो क्या हमारे एग्ज़ाम अभी ग्यारहवीं में है क्या वापस से बोर्ड के तो हमने दसवीं में पार पास करके क्या किया और जो बच्चे बारहवीं में है वो सोच रहे कि हम लोग ग्रेजुएशन कैसे करेंगे तो ये तमाम चीज़ों को बहुत टाइम लगता है जब तक के केंद्र शासन सरकार से राज्य शासनों को नोटिस आता है राज्य शासनों की बहुत सारी मीटिंग होगी यहाँ का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनकी बहुत सारी मीटिंग्स होगी <coughs> क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे वेबसाइट्स पर सिलेबस में कोर्स के पैटर्न में फिर इनकी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होगी और फिर इसके बाद महाराष्ट्र में चेंजेस आएंगे उसी अंदाज़ से कर्नाटका में भी पश्चिम बंगाल में भी उत्तर प्रदेश में भी यही प्रोसीजर है तो इसे लागू करने में इसे पास तो कर दिया सर्कुलर अप्रूव तो हो गया पॉलिसी तो बन गई लेकिन इसे लागू करने में कम से कम पाँच से दस साल लगते हैं तो जैसे कि हसन जी आ, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि पूरी जो दुनिया है वो कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इसको देखते हुए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं ऑनलाइन जो है वो स्कूल कहीं ना कहीं चालू हो गया है ऑनलाइन स्टडीज़ चालू हो गए लेकिन आप भी ये मानते होंगे कि ऑनलाइन स्टडीज़ से बच्चों पे इतना असर नहीं पड़ता है जो कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे या कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करते थे तो आपको क्या लगता है कि ये स्कूल्स या कॉलेजेस कभी से स्टार्ट होंगे कोरोना की महामारी के बीमारी को मद्देनजर देखते हुए Uh, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मेरे भाई आपने मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है किसी भी स्कूल में ये कंपलसरी नहीं है जैसे मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते एक घंटा दो घंटा मोबाइल फ़ोन पे नहीं रह सकते तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन ऑप नहीं किया उसी को देखते हुए महाराष्ट्र शासन जो है इन्होंने पच्चीस तक का सिलेबस में कट कपाट भी किया है कि भाई ट्वेंटी सिलेबस रिड्यूस भी किया है और रही बात स्कूल चालू होने की तो महाराष्ट्र शासन का स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का 15 जून को ही सर्कुलर आया था कि अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पर एक महीने से कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं और वो अगर रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो वहां पर स्कूल स्टार्ट हो सकता है लेकिन स्कूल स्टार्ट करने के लिए अपने अपने उसमें ऑड इवन फार्मूले दिए हुए कि आप रोल नंबर एक से रोल नंबर बीस के बच्चों को सोमवार को बुलाओ इक्कीस से लेकर चालीस के बच्चों को मंगल को बुलाओ या फिर अगर आपको एक ही दिन बुलाना है एक वर्क को एक स्टैंडर्ड को आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड को अगर एक ही दिन बुलाना है तो आप सुबह सात बजे या साढ़े सात से दस बजे तक एक क्लास रखो दस से साढ़े साढ़े बारह रखो एक वन बेंच वन स्टूडेंट पॉलिसी रखी गई है कि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेनटेन रहे और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है तो मुझे मैं बहुत पॉजिटिव इसको लेकर दो दिन पहले भी वर्षा गायकवाड़ जो हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था प्रेस को और उन्होंने कहा कि सेप्टेम्बर तक महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में जहाँ पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर स्कूल चालू होगी और जिस शहर में हम रहते हैं कौसा और मुमरा में यहाँ पर भी पेशेंट्स ना के बराबर है कल दो पेशेंट थे इसके पहले तीन थे पांच थे और मुमरा पूरा के पूरा कंटेनमेंट जोन से बाहर है यहाँ पर अनलॉक की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रहा है तो यहाँ पर अगले महीना स्कूल चालू होगा अगर पेशेंट ऐसे ही रहे कंटेनमेंट जोन में शहर नहीं रहा तो 100 परसेंट कौसा मुमरा की स्कूल है सप्टेम्बर में शुरू होगी काफ़ी अच्छी बात कहा आपने लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपको भी पता है कि कोरोना महामारी जो है तो ये अभी तक खत्म नहीं हुई है ना इसका कोई एंटीडोड अभी तक आया है ना कोई इसका इलाज अभी निकला है मान लीजिए अगर स्कूल चालू हो जाती है या स्कूल चालू होने के बाद कोई बच्चा उसमें पॉजिटिव पाया जाता है या स्कूल का कोई स्टाफ पॉजिटिव पाया जाता है और उसको देखते हुए और ये काफ़ी मतलब अगर पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये काफ़ी हर जगह मशहूर हो जाएगा फिर इसके बाद इस स्कूलों पे क्या असर पड़ेगा वापस से इसे क्या बंद कर दिया जाएगा स्कूल देखिए कोरोना होने के लिए ना एक पॉइंट ऑफ ट्रेस होना चाहिए वो टीचर या वो स्टूडेंट वो बच्चा किसी ना किसी के कनेक्ट में आना चाहिए जिसे कोविड पॉजिटिव है अगर मैं आपको बता दूं कि मुमरा में किसी एक छोटे से इलाके का नाम ले, ले लेते हैं जैसे संतोष नगर अगर संतोष नगर में पिछले एक महीने से एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिल रहा है और संतोष नगर में समझिए तीन स्कूल हैं और उन तीनों स्कूलों में संतोष नगर के इलाके के बच्चे ही आते हैं और संतोष नगर के पेरेंट्स भी उसी एरिया में रहते हैं कहीं बाहर जाते नहीं है ठीक है और अगर संतोष नगर के बच्चे संतोष नगर के स्कूलों में ही जा रहे हैं लोकल अपने इलाके के स्कूल में ही जा रहे हैं तो 99% कोविड नहीं होने के चांसेस है कोविड होगा ही नहीं क्योंकि आप किसी कनेक्ट में आना चाहिए तभी आप तभी आपको कोविड होगा और अगर समझिए रिस्क लेने के बाद में भी अगर कोविड आया तो मैं आपको बता दूं कि जो शासन का सर्कुलर है उसमें सैनिटाइज़र मेंटेन रखना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जी में आई हुई है पंद्रह जून के आठ पेज का वो जी है उसमें पूरी चीज़ें मैंटेन बताई गई है एक्सप्लेन की गई है इसके अलावा फिर भी अगर पेशेंट आता है तो जो आज हॉस्पिटल के साथ में या बाज़ार में या जहाँ जिसके घर में हो रहा है उसी तरह से स्कूल पे भी कार्रवाई होगी स्कूल पे कार्रवाई ये होगी कि वो क्लासरूम कुछ दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा उसे जो फेगमेंटेशन करना होता है वो पूरा के पूरा वो प्रोसीजर होगा टीचर को क्वारंटाइन कर लिया जाएगा उस स्टूडेंट को क्वारंटाइन कर लिया जाएगा जो आसपास के बच्चे हैं जिन्हें टच किया हो या बच्चा कनेक्ट में आया हो तो उनका कोरोना टेस्ट होगा जो प्रोसीजर वहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है देखो मैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की एक बात से बहुत खुश हो और सहमत हो कि उन्होंने कहा था कि हम लोग हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते आज पिछले छः सात महीने से जिस अंदाज से महाराष्ट्र और छोटे छोटे शहर के लोगों की स्थिति बद से बदतर हो रही है अभी लोगों कई सारे लोग माइग्रेंट्स यहाँ से चले जा चुके अपने अपने देश उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल की तरफ तो हालात ऐसे ही रखकर कुछ होने वाला नहीं जितना डरना था लोगों को डर लिया जितने लोगों को कॉशियस रहना था एहतियात बरतनी थी उन लोगों ने कर लिया अब तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और आहिस्ते आते स्कूल, स्कूलों की ऑफिस टीचरों का ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आना यह आहिस्ते आते खुल रहा है मैं आपको बता दूँ एम जो है जो जिसके अंडर एम एस के कंप्यूटर क्लासेस शुरू होते हैं और महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों कंप्यूटर क्लासेस है जो एम एस कोर्स कराता है एम का भी नोटिफिकेशन आया है कि जो जो कंप्यूटर क्लास में एम एस कोर्स होता है वो वापस स्टार्ट हो जाए लेकिन स्टार्ट वैसे ही हो सैनिटाइज़ करा कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर कर तो आप ये देखिए कि जो शिक्षण विभाग है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे स्टेट का महाराष्ट्र स्टेट का वो कोशिश कर रहा है अपने आप को अनलॉक करने की और हमें इनका साथ देकर अनलॉक करना है अगर हम ये सोचें कि पूरा साल बंद रहे या हम हमारे बच्चों को भेजेंगे नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि कोरोना कभी नहीं जाएगा आपके दिल दिमाग से कभी नहीं जाएगा कोरोना हमेशा रहेगा तो हमें बिंदास बेफिक्र होकर हमें हमारी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है हमें हमारी तबीयत का ध्यान रखना है हमें विटामिन सी एर्सेनिक एल्बम या जो भी दवाइयाँ बताई जा रही है जो भी हैंड वॉश और सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए बताया जा रहा है वो तमाम चीज़ें मास्क यूज़ करने के बारे में बताया जा रहा है करकर आ, आरे ये तमाम चीज़ें आरे कर कर हमें जीवन येस येस अवेयरनेस रख कर ही पढ़ाई करनी है और अगर हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आप खुद सोचो कि अगर आप सोचते हो कि बच्चों को निकालना है स्कूल से तो निकालना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चे का पूरा के पूरा वर्ष पूरा साल बर्बाद हो जाएगा इससे अच्छा करियर खराब हो जाएगा बच्चा कनेक्ट छोड़ देता है कि भाई पढ़ाई से फिर वो अचानक से फिर हाँ फिर रिवाइज नहीं कर पाता है भूल जाता, है।, रहती जाने की भूल जाता है बोल सकते हैं कि शेड्यूल जो बना होता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि जैसा गवर्नमेंट के इश्यूज और नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो हिसाब से आप अपने बच्चों को फॉलो करें और गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखकर ही स्टार्ट कर रही है तो आपको बस आपके बच्चों को तैयार करके भेजना है जब गवर्नमेंट बोलेगी तब तो हमने बात की हसन मुलानी जी से हसन मुलानी जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँ जानना चाहूँगा जैसे कि आप आप भी जानते हैं कि मुमरा अभी तो कंटेनमेंट जोन से बाहर आ चुका है डेली के अगर हम पेशेंट देखेंगे तो कहीं तीन है कहीं दो है कहीं पाँच है कहीं छः है इस तरीके से पेशेंट्स पाए गए काफ़ी अच्छी अवेयरनेस जगाई है मुमरा के लोगों ने तो इस करोना महामारी को और दूर भगाने के लिए और मुमरा को एक ग्रीन जोन बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरा वासियों देखिए इसमें यकीन मानिए तो हर एक का यहाँ के समाज सेवक जिन लोगों ने राशन बाँटा घर घर जाकर अनाज दिया ताकि वहाँ के लोग बाहर ना निकले यहाँ के नेतागण जितने भी थे जिन्होंने ये कोशिश की कि जितने भी अलग अलग पॉली क्लिनिक स्टार्ट करने थे कई सारे डॉक्टर्स छोड़कर जा रहे थे डॉक्टरों को वापस बुलाया गया महानगर पालिका की तरफ से सात से आठ अलग अलग, अलग जगहों पर पॉलिक्लिनिक स्टार्ट किए गए फीवर ओपीडी की शुरुआत हो गई इसके साथ में जो फायर ब्रिगेड ने एक बेहतरीन काम किया कि पूरे पूरे एरिया को जो सैनिटाइज करते थे इसके साथ में कई सारे डॉक्टर्स कई सारे समाज सेवक ऐसे थे जिन्होंने एरसनिक एल्बम या फिर यूनानी का काढ़ा जो बांटा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये तमाम चीज़ों ये पूरा ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिशियंस का सोशल वर्कर्स का इंडिविजुअल्स का जो लोग घर पर रहे और लॉकडाउन को बराबर से फॉलो किया तो ये ऐसा रहा है अब ये सिर्फ और सिर्फ तब हो पाया नीलेष भाई तब कि जब गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया और गवर्नमेंट के आदेश का फॉलो हुआ तो जो भी गवर्नमेंट के आदेश आते हैं ठाणे महानगर पालिका से या शासन की तरफ से या, या केंद्र शासन की तरफ से हमें उसकी अमल बजावनी करनी है हमें उसको फॉलो करना है ना कि उससे छिड़ना है अगर हम रूल्स बराबर से फॉलो करेंगे तो कोविड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है नाइन्टी नाइन परसेंट हमारे उम्र में ख़त्म हो चुका है वो बचा हुआ एक परसेंट भी चला जाएगा तो हमने बात किया असल मोलानी जी से आपको बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने स्टूडेंट्स के, के लिए अवेयरनेस बताया है और खास खास तौर पे इन्होंने हर एक आदमी का हर एक शख्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा किया चाहे वो पॉलिटिक्स हो पॉलिटिशियन हो चाहे वो समाज से हो हर किसी ने मुमरा का साथ दिया है ऐसे वक्त पे जहाँ पे मुमरा को उन लोगों की ज़रूरत थी और हम भी यही चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं जितने भी बच्चे हैं अवेयरनेस रखें सैनिटाइजिंग करते रहे सोशल डिस्टेंसिंग रखें क्योंकि अभी हम कंटेनमेंट जोन से बाहर आ चुके हैं तो अब हमें जो एक पर्सेंट जैसे की असर मोलाजी एक परसेंट जो कोरोना महामारी की जो बीमारी उसे भगाना है मुमरा से तो अगर वो हम कर देंगे तो बेशक मुमरा एक ग्रीन जोन बन जाएगा तो मैं नीले कन्हौजा हाजिर हूँ कुछ और खबरों के साथ देखते रहिए जज्बा न्यूज धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए